तो इसके उस पर है बांग्लादेश। तो दोस्तों रोड ख़राब है, हाथ का हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, बंदूक लेके खड़ा है। अरे भाई रॉन्ग साइड से गया मैं, बहुत बड़ी गलती हो गई। तो दोस्तों स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो मेरे ज़िंदगी का सबसे लंबा टूर का है। मैं 100 किलोमीटर तक जाऊँगा, करीब बांग्लादेश बॉर्डर तक जाऊँगा। मैं दोस्त का घर है, 150 किलोमीटर तक राइड करना है मुझे, तो इसलिए सब कुछ सामान वगैरह सब कुछ ले लिया है। और दिक्कत ये है मैं गाड़ी ज़ोर से नहीं चला सकता क्योंकि माता जी भी साथ में जा रहा है, ठीक है, बाप एक साथ ही है ना, इसलिए। तो मैंने सामने भी कैमरा लगा लिया, पहली बार लगाया तो कैसा लगा देख के बताइए ज़रूर। 3:28 शाम को एंड तक अगर एक्शन कैमरा में चार्ज होगा तो आप हम आप लोगों को दिखाएंगे। और ये जो रोड है ये SH स्ट्रीट हाईवे है, 20 नंबर। इस रोड से एकमात्र रोड है जहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है, रोड ट्रांसपोर्ट इंडिया टू बांग्लादेश एंड बांग्लादेश टू इंडिया। तो इसलिए ये रोड अभी 2 लेन में डिवाइड है, उसके बाद 6 लेन होगा इस रोड पे 2-3 साल के अंदर। तो बारिश हुआ था, पानी जम गया, थोड़ा सा रोड का कंस्ट्रक्शन अच्छा नहीं, मतलब आप देख ही सकते हैं कितना सुंदर रोड का कंस्ट्रक्शन किया है, यहाँ पे बारिश जगह जगह पे बारिश का पानी जम गया है। तो ये रोड बनाया बहुत दिन नहीं हुआ, तो अभी से ही यहाँ पे गड्ढा वहाँ पे गड्ढा, रिपेयरिंग चल रहा है पूरा का पूरा रोड का। आगे वाले कैमरा का व्यू भी मैं दिखाऊंगा कैसा लगा आप लोग बताए, या फिर आप लोग कमेंट कीजिए कि कैमरा माउंटिंग को क्या चेंज करना चाहिए, अलग अलग व्यू से पीछे कैमरा या फिर कहीं पे भी कैमरा अगर माउंट करना हो, वहाँ से शॉट लेना हो तो आप लोग ज़रूर बताएं कमेंट में। करीब करीब 900 सब्सक्राइबर हो गया, आप लोगों के पास रिक्वेस्ट है जो भी इस वीडियो को देख रहे हो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, जल्दी से दोस्तों 1000 सब्सक्राइब पूरा कर दो। अभी हम पहुँच चुके बालिया बाजार, 20 किलोमीटर तक है, उसके बाद फिर लेन चेंज करके हम लोगों को रोड चेंज करके दूसरा रोड पे जाना पड़ेगा। बहुत छोटा सा रोड है, वहाँ से ही बांग्लादेश का बॉर्डर शुरू होता है। ये देखिए शोरूम, तो वहाँ से ही बांग्लादेश का बॉर्डर शुरू होता है, मतलब इंडिया इधर बांग्लादेश इधर, आप बांग्लादेश देख सकते हैं। तो ये देखिए ये रहा एक स्कूल और ये रहा वो शोरूम जहाँ से मैं गाड़ी खरीदा था। इसका मेन शोरूम हमारे चांदा में है, तो ये साफ शोरूम है, यहाँ से भी आती थी हमारा लोकलाइज किए। सामने थोड़ी देर ये सामने यहाँ पे पुलिस रहता है हर वक्त, मैंने भी हेलमेट पहना है, मेरा मम्मी ने भी हेलमेट पहना है, तो कोई दिक्कत नहीं। गाड़ी का सब पेपर वगैरह भी ओके है, पॉल्यूशन का पेपर का डेट एक्सपायर हो गया 1 महीने पहले, मैंने कल ही निकलवाया था। यहाँ पे पुलिस रहता है, यहाँ पे एक पुलिस वाला वीडियो है मेरे चैनल पे, आप लोग जाके देख सकते हैं। उस टाइम माइक नहीं था इसलिए उतना अच्छा नहीं हुआ था वीडियो। अभी हम पहुंच चुके हैं मेदिया बाजार। हमारा किलोमीटर कितना हुआ वो तो माइलेज तो मैंने चेक ही नहीं किया दोस्तों, जीरो नहीं किया मैंने, तो नहीं तो किलोमीटर भी बता देता आप लोगों को। पक्षियों का बाजार है, मतलब बहुत सारा पक्षी खरीदने को मिलेगा। सॉरी दोस्तों इन्होंने हेलमेट नहीं पहना है, तो हेलमेट सबको पहना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरा पिछले वीडियो में बताया था कि मेरा जो एक्सीडेंट हुआ था, ये देखिए हैंडल अभी भी हिला हुआ है, इधर हैंडल को चेंज करना पड़ेगा। 1 लाख से नीचे तो गाड़ी नहीं है, अभी 90,000 तक, 100 cc का गाड़ी लो वो भी 90,000 तक आ जाएगा। तो हम हेलमेट खरीदते 200 रुपया का, वो क्या है उसमें उससे अच्छा तो हम टोपी पहन लेते, वो टोपी है खाली। 1000 रुपया में अच्छा खासा हेलमेट मिल जाएंगे आप लोगों को, स्टील वाले स्टर्स भेगा ये सब अच्छा खासा कंपनी है, 1000 रुपये के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करता है। मेरा जो स्टील वर्ड का हेलमेट है ये तो कमाल ही है भाई, ये देखिए ये है, ये जो पेपर बनता है ये पेपर मिल है, क्या गया रॉयल एनफील्ड का कौन सा मॉडल मालूम नहीं मुझे। सामने है गोपाल नगर 1 किलोमीटर, जो ये जो ड्रग्स दिख रहे हैं ये सब सारे ड्रग्स बांग्लादेश में ट्रांसपोर्ट होता है, इससे बांग्लादेश जाते हैं तो यहाँ पे हॉल्ट करते हैं जब बॉर्डर क्लोज हो जाते हैं। तो स्पीड लिमिट 65 किलोमीटर/आवर। रोड दोस्तों मक्खन है, लेकिन ये मेरा सबसे लंबा ब्लॉग होने वाला है, 15-16 मिनट का ब्लॉग होगा ये, क्योंकि 100-150 किलोमीटर तक जाऊंगा। हर दोस्तों मैं मोबाइल से भी करता हूँ इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं आप लोगों के लिए।
कोई ना, आज मोबाइल तो कल लैपटॉप। ये रेल गेट है, ये शायद गोपाल नगर रेल गेट है। तो हम पहुंच चुके हैं गोपाल नगर रेल गेट पर। अभी ये देखिए रोड का कंडीशन दोस्तों, रेल गेट के बाद रोड का कंडीशन देखिए आप, क्या रोड बना है यार। फ्यूल भी फुल करना पड़ेगा। हाँ यही होगा गोपाल नगर का, बोर्ड नहीं दिख रहा है मुझे, लेकिन हाँ यही होगा। सोच रहा था बहुत ज़्यादा गर्मी होगा, लेकिन दोस्तों तो ठंड है। थोड़ी देर पहले बारिश हुआ था, इसलिए मौसम तो ठंड ही है। ये देखो स्पीड ब्रेकर, स्कूल है इसलिए स्पीड ब्रेकर भी अच्छा किया। चले है बोंडगांव में, एकता पुल है जहाँ पे पासपोर्ट के जरिए आते हैं लोग बस से या फिर ट्रांसपोर्ट होता है, तो वो वाला बॉर्डर है। तो हम जाएंगे साइड वाला बॉर्डर के पास। ये होगा बांग्लादेश का किनारा और ये होगा इंडिया का किनारा। तो वहाँ पे एक शादी अटेंड करने जाएंगे हम, तो इसलिए जा रहे हैं। और सोचा कि एक अच्छा ब्लॉग बना लेते हैं। अच्छा तो बहुत होती है कि ब्लॉग बनाऊँ, लेकिन ऐसा एक सिचुएशन है अभी, तो हर एक सिचुएशन में सब कुछ पॉसिबल नहीं होता है, फिर भी करना पड़ता है। तो हम कोशिश करेंगे आपसे ब्लॉग डालने की रेगुलर, मतलब हर दिन तो नहीं होगा, हफ्ते में 3-4 वीडियो या फिर 2 बड़े वीडियो। तो दोस्तों अभी हम करीब करीब चले हैं बोंडा पर, वहाँ से भी 30 किलोमीटर तक जाना पड़ेगा। अभी करीब 70 किलोमीटर तक कवर कर लिया डिस्टेंस। तो पेट्रोल फिल अप करना पड़ेगा नूतन ग्राम। देखिए अभी पेट्रोल भर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। फुल करो, फुलर से एक तो कम कर दो। 0 है नहीं तो। तो पेट्रोल भरना हो गया। ये जो पेट्रोल पंप है यहाँ पे अच्छा खासा पेट्रोल मिल जाता है, मतलब पेट्रोल का क्वालिटी अच्छा है, गाड़ी में वाइब्रेशन कम होता है। तो हमारे वहाँ का जो पेट्रोल पंप है ना भाई, तो क्या ही बताए, पेट्रोल भरूँ तो घाँ घाँ करके साउंड होगा। 200 रुपये का पेट्रोल भरूँगा, 70 किलोमीटर भी नहीं जाएगा, 60 किलोमीटर पे जाके गाड़ी अटक जाएगा, पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अच्छा खासा पेट्रोल देता है। ये देखिए फुल, कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों, फुल हो गया। तो अभी चलेंगे घर, आते आते आधा से कम हो जाएगा। शादी मुबारक हो दोस्तों, हम भी जा रहे हैं शादी में। तो ये देखिए शादी का सामान है सब, मतलब शादी का लोग है सब, शादी में जो आए हैं, शादी तो एक ही करते हैं। लेकिन ये देखिए चला आया, सीधा चला जाओगे हावड़ा पेट्रापोल, ये यही वो बॉर्डर है। और कोलकाता एयरपोर्ट 79 किलोमीटर, पेट्रापोल 9 किलोमीटर, हावड़ा 34 किलोमीटर। तो इसमें से कहीं पर भी हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे दूसरे रास्ते पे। तो मालूम नहीं दोस्तों कैमरा में दिखाई दिया या नहीं जाएंगे। पीछे मम्मी बैठी है, इसलिए मैं उतना ज़्यादा हिल डुल नहीं रहा हूँ, गाड़ी भी धीरे चला रहा हूँ और ऊपर नीचे भी अच्छी तरह से देख नहीं रहा हूँ, सिर्फ मिरर को देख रहा हूँ पीछे कोई गाड़ी आ रहा है या फिर नहीं। हेलमेट तो पहन लो यारो, एम्बुलेंस आ रहा है। ये जो टैंक आप देख रहे हैं दोस्तों, ये पूरा बोंडगांव में वाटर सप्लाई करता है, इसका कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। देखने में छोटा नहीं लगता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर ऐसा बना है कि इसका कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। मतलब ये है वही पहुँच गए हम भैया, आप पीछे तो देख लो। अरे भाई रॉन्ग साइड से गया मैं, बहुत बड़ी गलती हो गई, रॉन्ग साइड से आया। बात करते करते मुझे मालूम ही नहीं कि मैं किस साइड से आ रहा हूँ, किस साइड से जाऊँगा, मतलब उधर से आना चाहिए था मुझे को। सॉरी दोस्तों ऐसा गलती आप लोग मत करना। ये सामने जो कैमरा है उसमें रिकॉर्ड हो भी पा रहा है या फिर नहीं, मुझे मालूम नहीं। थोड़ा सा ट्रैफिक है लेकिन रिस्क नहीं लेने का हमको, ये पुलिस भाई। तो अभी हम घुस गए हैं, थोड़ी देर जाने के बाद ही दिखने का मिलेगा बांग्लादेश का बॉर्डर। ये रोड भी छोटा सा ही रोड है, बहुत ज़्यादा नैरो रोड है दोस्तों। माताजी बोल रहे हैं कि मैंने बोला ना तेरे को
गाड़ी चलाएगा और फ़ोन में बात नहीं करेगा। तो मैंने बोला मैं फ़ोन में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ। गाड़ी हिल रहा है, ये देखो अजब है यार, इस तरह किसी का भी एक्सीडेंट हो जाएगा। हाँ, क्या कर दिया ये रोड का? सामने तो कोई नोटिस लगा हुआ था, बैड रोड कंडीशन, प्लीज़ ड्राइव स्लो। ये देखिए उस तरफ से कोई जा ही नहीं रहा है, ये गाड़ी लिया और हिल रहा है गाड़ी। मैंने सोचा क्या होगा या भाई मेरा गाड़ी का कुछ होगा या फिर नहीं। इसके बाद देख रहे हो रोड, ये देखिए ट्रैक्टर से खोद के लिया है, ऐसा लग रहा है रोड को, क्या बताए। थोड़ी देर सामने जाऊंगा तो दोस्तों देखने को मिलेगा हमारा इंडियन आर्मी। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ से एरिया ऑफ रेस्ट्रिक्शन शुरू हो रहा है, मतलब बॉर्डर एरिया शुरू हो गया। क्या रोड है भाई। तो दोस्तों सब लोगों के पास रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर दो, कर दो बस, कुछ भी कर दो। लाइव दिखाऊंगा बांग्लादेश, ये देखिए सामने है। यहाँ पे चेकिंग होता है, सब बहुत कुछ करते हैं। यहाँ से निकल तो जाएंगे ही हम, इतना तो कॉन्फिडेंट है दोस्तों, क्योंकि रुका हुआ था ना बस 10 किलोमीटर तक जाना पड़ेगा। तबीयत भी टायर्ड टायर्ड सा लग रहा है, लेकिन चला जाऊंगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो शादी भी होती है ना, तो बॉर्डर से परमिशन लेना पड़ता है कि शादी हो रहा है मेरा, बंदूक लेके खड़ा है। और एक सच्ची देखिए दोस्तों, देखा ये ना, इनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि इन लोगों के लिए ही हम सुरक्षित है, हम जिंदा है हमारे भारत के अंदर। तो ये और एक सर जी है, ये देखिए दो सर बांध रहा है यहाँ पर। इस साइड से जो देख रहे हैं ना, ये पूरा साइड बांग्लादेश है, इसके ऊपर उस पर बांग्लादेश है, इस रोड के उस पर ही दोस्तों बांग्लादेश है। आप देख सकते हैं खुल्लम खुल्ला बांग्लादेश। करीब करीब 7 किलोमीटर बाकी है दोस्तों, हाथ दुख रहा है क्योंकि हाथ में लगा है ना एक्सीडेंट के टाइम पे। एक बात याद रखना, कभी भी किसी भी बॉर्डर साइड में जाओ, अगर कोई इंडियन आर्मी दिखे वहाँ पे गाड़ी को स्लो करके चले जाना। अगर गाड़ी भगाओगे तो वो लोग भी गाड़ी भगाएंगे आप लोगों के पीछे। तो दोस्तों रोड ख़राब है, हाथ का हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, हाथ भी दुख रहा है। ये रहा बांग्लादेश उस तरफ, अब देख ही सकते हैं, और ये रहा हमारा इंडिया, प्यारा सा इंडिया। हाँ ना ना, 5 किलोमीटर मैंने देखा, मैंने पोल में देखा, तो ये बांग्लादेश है, अब देख सकते हैं। फेरी गेट दिख रहा है, अब तार से बना है, तो इसके उस पर है बांग्लादेश। तो ये दोस्तों आज का सफ़र यहीं तक ख़त्म नहीं होता है, अभी तो शुरुआत है। अभी थोड़ा सा हॉल्ट करेंगे हम सामने जाके, उसके बाद जाएंगे हम